घर को मिस किया? घर को किया आपको सीधा सीधा मुंह पे ही बोली जा रही है, नहीं और ऐसे झूठी थोड़ी मूठी ना बोल होता देते हैं कि आपको बहुत मिस किया। है। नहीं पकड़, ये देखिए, आपको दिखा देते हैं। वाह भैया, काफी भाव छोड़ रहा है ये।갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널. हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डुब्बल एंड चीप ब्लॉग्स में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को जरूर लाइक करें, क्योंकि ब्लॉग आपको सुबह 11 बजे मिल जाएगा। तो अभी का सीन ये है गाइस, आज है मंडे का दिन और शाम के बज चुके हैं, ये देखिए 4:48 हो गए हैं, क्योंकि सुबह से मैं अपने जॉब पे गया हुआ था, अभी अभी घर पे आया हूँ। तो आज शायद रुचि और बच्चे भी वापस आ जाएंगे, तो घर की हालत तो बहुत ख़राब हो रखी है। काम वाली भी नहीं आई, आज भी नहीं आई, कल भी नहीं आई, 2 दिन हो गए हैं। तो घर में काफ़ी गंद इकट्ठा हो रखा है, तो मेरे को साफ़ सफाई करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों ने आना है घर पे, तो साफ़ तो करना ही पड़ेगा घर को। अब काफ़ी गंदा है, शुरू कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ, समझ नहीं आ रहा कुछ, अंदर से करूँ बाहर से करूँ, देखते हैं, करना तो पड़ेगा गाइस। तो सबसे पहले इसको साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद मैंने खाना भी खाना है, भूख लगी हुई है मेरे को, फिर बाद में चलते हैं, पहले इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं घर को।갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 그러냐고 묻네, 너 때문에. I'm going, going, going crazy. तो हे गाइस, अभी का सीन ये है, घर की क्लीनिंग मैंने अच्छे से कर ली है। ये देखिए किचन को कैसे लिशका दिया है, बहुत गंदी हो रखी थी, और ड्राइंग रूम भी आपको दिखा देता हूँ, बहुत बढ़िया से साफ कर दिया मैंने। ये देखिए, ये इधर सारा साफ कर दिया है, ये इधर वाली साइड भी सब अच्छे से क्लीन कर दिया है, और झाड़ू भी लगा दिया। पोचा मेरे से लगना नहीं था गाइस, पोचे का बड़ा प्रोसेस लंबा होता है, वो नहीं होगा मेरे से, तो वो मैंने बेडरूम भी सेट कर दिया, ये देखिए, एंड बढ़िया अच्छे से बेडरूम भी साफ कर दिया है। ये सोफे पे कपड़े पड़े थे वो भी उठा दिए, और मैंने झाड़ू लगा दिया। और मेरे को अभी अभी रुचि का कॉल आया था, बोलती मेरे को ले जाओ, 5:30 हो रहे हैं शाम के, तो मैं कहा चल मैं आ रहा हूँ, बोलती है बर्तन कर दिए। मैं कहा यार बच्चे की जान लेगी क्या, अब इतना काम तो कर दिया, पसीने से भर गया हूँ, ये देखो टी शर्ट सारी मेरी पसीने से भर गई है, खाया भी मैंने कुछ है नहीं। तो अभी सबसे पहले अपन कुछ खाते हैं और वहीं से निकल जाएंगे रुचि को लेने के लिए। तो हे गाइस, अभी का सीन ये है, मैं घर से निकल चुका हूँ और बारिश शुरू हो गई है, ये भी नया पंगा हो गया। अभी मेरे को खाना भी है कुछ, शाम के 5:30 हो रहे हैं, मिलेगा क्या, ढाबे पे तो कुछ मिलेगा नहीं इस टाइम पे, अब देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। या मैं सोच रहा हूँ पहले रुचि के घर पर ही चले जाऊँ, उसको ले लूँ, कुछ ना कुछ तो बना ही देगी, अंडा परौंठी खा लेंगे। तो गाइस, अभी का सीन ये है, मैं रुचि को लेने आ गया हूँ रुचि के माम के घर पे, ये देखिए। हाँ जी, पापा को पहचान लिया, भूल तो नहीं गया 2 दिन में, ये खेले जा रहा है साथ में, ये बानी खड़ी है, चल चल चलें घर को, मम्मी को बोल फिर फटाफट, क्यों धक्के जा रहा है इसको, गिर जाएगा, हट नहीं रहा तू हैं, ये कर गया रहा है, लिया फिर ले आया, इधर गिर जाएगा बेटे, गिर जाएगा, ये देख ये कर क्या रहा, फिर उधर ले गया, हाँ हाँ बच्चों की खेल भी अलग ही होती है जी, ये देख कर कह रहा है, सारी कुर्सी घुमा दी, वो खींचने लग गया वो देखिए। तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर को, बैग वैग रख लिया, बच्चे बच्चे भी तैयार है, रुचि भी खड़ी है, चलो यार बारिश आ जाएगी। तो हे गाइस, अभी का सीन ये है, रुचि को मैं घर पे छोड़ आया हूँ और मेरे को लगी हुई थी काफ़ी भूख, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ प्रीतम जिम डाइट पे, तो यहाँ पे कुछ डाइट वाला खाते हैं, क्या है भाई साहब के पास, इनसे पूछते हैं, अभी तो शाम की तैयारी हो रही है, नहीं तो यहाँ काफ़ी रश हो जाता है। क्या है सर जी आपके पास खाने को? एग रोल है, चिकन रोल है, वेज रोल है। अच्छा, इतनी आइटम गिनवा दी इन्होंने,
कितनी 8-10 आइटम हो गई है? 10-12 आइटम है। 10-12 आइटम है, अभी डिसाइड करते हैं। अभी तो शाम का टाइम है, अभी रश होगा थोड़ी देर में यहाँ पे, है ना। तो ऐसा करो, मेरे को तुम फिलहाल एग खिला दो, एग खाते हैं उसके बाद देखते हैं आगे क्या खाना। ये क्या आइटम है? ये लेग फ्राई है। ये देखो लेग फ्राई बढ़िया बना है, KFC जैसा लग रहा है। ये स्टीम चिकन होता है, ये सबसे बढ़िया है। एक तो ऑयल वगैरह कुछ नहीं होता इसमें। ये देखिए आपको दिखा देते हैं। वाह भैया, काफ़ी भाव छोड़ रहा है ये। तो मेरे को एग लगा दो, उसके बाद देखता हूँ कुछ खाना। तो अभी भैया ने मेरे को अंडे दे दिए हैं जी। यहाँ अंदर भी सिटिंग बनाई हुई है इन्होंने, अंदर तो काफ़ी बढ़िया बना रखा है। ये देखिए, तो यहाँ पे रख के खा लेते हैं इसको। यही आजकल चलता है सेटिंग, साइड पे ये लगा देते हैं फट्टी, तो उधर बैठने का ये सीन है। ये देखिए, और बाहर उनका बनाने का सीन हो गया, तो बढ़िया है फिटिंग। तो अभी सबसे पहले खा लेते हैं, मेरे को भूख बहुत लगी है यार। तो अभी फिनिश हो गया जी मेरा खाना पीना। कितने पैसे हो गए जी? 3 अंडों के। लो जी, इनको पैसे भी दे देते हैं। ये लो, इसमें से काट लो अब। तो अभी लेग पर तो खाने का मन नहीं है, ठहर के खाएंगे। ये देखिए बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है इनका, बहुत बढ़िया। ये चिट्टी कोठी के पास ही है सामने बिल्कुल। ये देखिए काफ़ी रेट, स्टीम क्या है, स्टीम चेस्ट है, स्टीम लेग पट है, स्टीम चिकन कबाब है, मटन कबाब, स्टीम फिश, स्टीम का माल है सारा। स्टीम बढ़िया रहता है माल। हाँ, जिम डाइट होगी ना, बढ़िया रहती है। ऑयल नहीं होता इसमें बिल्कुल भी। तो ये भाई साहब हैं, यही बनाते हैं सब कुछ। बनाते बहुत साफ सुथरा हो आप, और बढ़िया बनाते हो, खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। मैं तो खाता ही रहता हूँ इनके पास, काफ़ी तरह की सॉसेज हैं इनके पास। तो हे गाइस, अभी का सीन ये है, घर के लिए लेके जाना फ्रूट। यहाँ पे ये भी आ गए, अमरूद भी आ गए। अब तो अमरूद ले लेते हैं आधा किलो, और आधा किलो लेते हैं बब्बू कुछ। सेब का क्या रेट है? 80 रुपये चल रहा है। और केले? केला भी 60 रुपये दर्जन। फ्रूट तो काफ़ी महंगा हो रखा है। ये अपना ले लिया है, आधा किलो अमरूद लिया, आधा किलो बब्बू कुछ। ये लो भाई, 50 नहीं लगाओगे अब? ये देख लिए भैया, कम नहीं कर रहे, 10 रुपये भी। चलो 60 रुपये दे दिए इसको, रख लेते हैं। तो हे गाइस, अभी का सीन ये है, शाम के बज चुके हैं, 7:41 हो गए हैं, और रुचि जी 2 दिन बाद आ गए हैं मम्मी के घर पे। क्या किया फिर? बहुत मजा किया। बहुत मजा किया। घर को मिस किया? घर को किया, आपको नहीं किया? सीधा सीधा मुंह पे बोली जा रही है, और झूठी मुट्ठी बोल देते हैं कि आपको बहुत मिस किया। नहीं पगली, तो आपको पता ही है वो कितने फोन मैंने किए। अगर उन्होंने आपको मिस नहीं किया होता, मैं आपको फोन करती। अच्छा, मैंने तो आपको बहुत मिस किया। झूठी मुट्ठी बोलो, चाहे बोलो। अच्छा, मतलब ये झूठी मुट्ठी तो मैंने मिस किया। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, ये बात है। ओ पानी भी बैठी, वो देखिए ये क्या लेके बैठी है? डिक्शनरी। ये क्या ढूंढ रही है? इसने बोला सीख लिया डिक्शनरी। ये क्या ढूंढ रही है इसमें? नासा का मतलब। नासा का मतलब ढूंढ रही है गाइस। बच्चों की भी अपनी दुनिया और होती है। मैंने ढूंढ भी ली है। क्या है? क्या मिला है? नासा एक शहर है, स्पेस है, स्पेस स्पेस है। अच्छा। एस्ट्रोनॉट की जगह। अच्छा, तो गाइस पता लग गया इसको, इसीलिए इसको इतनी बड़ी किताब ला के दी हुई है। इसमें देखती रहती है अपने आप, जो उसको चांस सुन लेती है, उसको घर पे आके ढूंढना शुरू कर देती है बस फटाफट से। तो एक कम अंदर अभी ये सोया हुआ है, तो एक कम को मेडिसिन भी दे रहे हैं। उसका पेट थोड़ा सा खराब हो रखा है 3-4 दिन से। कल भी उसके लिए मेडिसिन लेके आए थे। अब यही उम्मीद करते हैं अब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब हो जाएगा, पर धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। वैसे दिक्कत ही हो जाती गाइस, मौसम ही नहीं ऐसा है। बच्चों को दस्त लग गए हैं हमारे बच्चों को। दस्त हो गए, डायरिया हो गया उसको, दस्त हो गए हैं। तो अभी चाय रखी हुई है, आपको दिखा देता हूँ। चाय भी मैंने ही रखी है, मगर चल इनको चाय पिला देता हूँ। घर तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। ये देखिए चाय भी उबल उबल के कमली हो गई हमारी, ये ज्यादा ही उबल गई है। इसको सेम कर देते हैं और चाय पीते हैं सबसे पहले। और रात के खाने में आज खाएंगे मेरी फेवरेट मूंगी की दाल, वही चलेगी। मुझे पहले ही पता था आपने मूंगी की दाल ही बोल ली है मुझे। क्योंकि गाइस 2 दिन से मैं बाहर का खाना खा रहा हूँ। बाहर की रोटियां ऐसी होती हैं, खींच खींच, जितनी खींचो उतनी लंबी हो जाती हैं। तब क्या करें, आज घर में खाएंगे मूंगी की दाल खाएंगे। 3-4 कौली भर के खाऊंगा मूंगी की दाल, साथ में प्याज, साथ में राइस, मजा आ जाएगा। तो अभी सबसे पहले चाय पी लेते हैं। तो हे गाइस, अभी का सीन ये है, रात के बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं। आपको दिखा देता हूँ, टाइम दिखाना भी बहुत जरूरी होता है। ये देखिए 9:52 हो गए हैं, और खाना हमारा रेडी हो गया जी। मूंगी की दाल रेडी हो चुकी है, और चावल बना लिए हमने।
कुकर भर के दाल बनाई आज मैंने आपके लिए मूंगी की। मेरे को गैस काफी अच्छी लगती है मूंगी की दाल, 3-4 कॉली तो मैं खा ही जाऊंगा। और कल वाला व्लॉग जो आपको मिलेगा वो मिलेगा राखी की शॉपिंग का, क्योंकि कल जाएंगे मार्केट में, क्योंकि बिल्कुल नजदीक जाएं तो बहुत ज्यादा रश हो जाता, कुछ मिलता ही नहीं है, एक के ऊपर एक आदमी चढ़े होते हैं, हमको दे दो, वो मजा नहीं आता फिर चीजें लेने का। कल इसलिए हम कल ही जाएंगे और वो वाला व्लॉग आपको परसों मिल जाएगा। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंडिंग करेंगे। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और गाइज वीडियोस को पूरा देखा करें, काफी अच्छी वीडियोस बनाते हैं हम, और कमेंट भी कर दिया करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।